नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। लुका, आज तो तू किस्मत का बादशाह है, बादशाह। 200 की शो। हाय, शो। तीन बादशाह। अब तू कौन है? गुलाम। आए, कसम धंधे पानी की, 2 घंटे से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये तो हिसाब किताब में गुंडागर्दी हुई। गुंडागर्दी ये धंधा है हमारा। हा? इस शहर में न लगते हो पहाड़िए, ये लोग 11 रुपए और वापसी का टिकट कटा लो। लेकिन ये तो बहुत घाटे का सौदा है गुंडा जी, कम से कम 80 तो वापस कर दीजिए। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। माफ करना भाई, माफ करना। इस बस्ती के हिसाब किताब में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तो गुंडस्तान है, यह अपने नहीं पड़ सकती। अरे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। मेरी कौन सी हलाल की कमाई थी, शाली हराम की कमाई थी, जो गई खो खाते ने, जो भगवान की मर्जी। भैया, मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल बाद मैं अपनी बहन को हजारों मील दूर यहाँ मिलूंगा। वाह भगवान वाह, मेरे तो भाग जाके। भैया यही कड़े कड़े बातें करोगे या घर भी चलोगे? बस यही पास ही में तो है मेरा घर। अच्छा? हाँ चलो चलो। वाह ये घर तो बहुत चंगा बना है। अरे शहर में किसी के सर पे छत हो तो समझो कि उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे हिसाब किताब करके। बहन वो विजय मल्होत्रा कभी दिखा क्या? ये लिबास नहीं देख रहे हो तुम, इसे वो ही अभागन पहनती है जिसका सुहाग। ये तो तेरी ग्रेटनेस है बहन, जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने, ये जानते हुए कि वो शाला जिंदा है। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमारे लिए तो उसी दिन मर गए थे जब हमें छोड़ गए थे। भैया अगर मेरा बेटा ये बात जानता तो 1000 सवाल करता मुझसे, दुनिया उन सवालों को लेकर 1000 बातें बनाती। इसीलिए अपने आप को विधवा बनाकर सब सवालों का जवाब दे दिया मैंने। कसम से अगर वो मुझे मिल जाए तो हिसाब किताब करके तेरे एक एक आंसू की कीमत वसूल करूंगा। अरे विष्णु का दोस्त हूं मैं, इतना तो हक बनता है मेरा। अरे वो मेरा भांजा कहाँ है? ड्यूटी पे गया है, बस आता ही लो आ गया। भांजा है? भगवान की कृपा से कितना बड़ा हो गया है। तुम्हारे मामा के दोस्त हैं बेटे। दोस्त नहीं, भाई था उसका, और इस हिसाब किताब से मामा लगता हूँ उसका। हाँ देखो तो, मैं भी कैसी पागल हूँ, चाय पूछना ही भूल गई, अभी बनाकर ला। ना बहन, ना ना ना, बहन के घर का पानी भी नहीं पीते। हाँ छोड़ो भैया, ये सब पुरानी बातें हैं। अरे पुरानी बातों में रहे तो भाई अच्छा है। हाँ। और फिर अब तुम्हें मिल लिया, भांजे को मिल लिया, इस घर को देख लिया, अब मिलता ही रहूंगा। हाँ। और हाँ ये लो, ये लो 11। ये बात तो ठीक नहीं भैया। नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा बहन। बहन के घर भाई खाली हाथ आया, हिसाब किताब करके उसका जुर्माना है ये। हाँ आप भी। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम। नमस्ते। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कोई बहुत बड़ा कलाकार लगता है। सॉरी भगवान जी, आज पैसे नहीं है माथा टेकने के लिए। आप तो जानते हैं भगवान जी, सारी मनी रिश्तेदारी में इन्वेस्ट कर दी है। 11 रुपए थे, 11 लाख बनेंगे हिसाब किताब करके। आप तो जानी जान है। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस भगवान जी, थोड़े से पैसे चाहिए थे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अट्ठन्ने फोन घुमाने के लिए। हेलो, मिसेस मल्होत्रा स्पीकिंग। पाए लागू मल्होत्री जी, हिसाब किताब करके। जी कौन है आप? रुक्का, बस इतना बोल दीजिए मल्होत्रा जी को, अपने आप फोन पर आ जाएंगे। एक मिनट।
आपके लिए किसी रुक्का का फोन है। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? श्याम जी, आपका नाम टेलीफोन किताब में मोटे मोटे लफ्जों में छपा हुआ है। इससे पहले कि आप टेलीफोन काटे, मेरी टेलीफोन करने की वजह सुन लो मिस्टर विजय कुमार मल्होत्रा। क्योंकि ना वक्त तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास, शांति इसी शहर में है। तो आ गए श्याम जी। कहो तो उस बीवी और इस बीवी की आपस में मुलाकात करवा दो, अपने आप दोनों हिसाब किताब कर लेंगे। कमाल है, मैं कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा हूँ और तुम। ये एग्रीमेंट तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें थर्ड पार्टी एंटर नहीं होनी चाहिए। नो एंट्री की फीस लगती है साहब जी। वो मिल जाएगी, पर मिलेंगे कहाँ? कल सुबह देवी के मंदिर में, देवी का जाप भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। शांति। नहीं श्याम जी नहीं, आपने कीमत सिर्फ देखने की दी है, मिलने की नहीं। हाँ, आज तो मुझे नहीं रोक सकते। आप नहीं जा सकते श्याम जी, बढ़ जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, कैसे जाएंगे? नाभी, हाई ब्लड प्रेशर लगता है आपको, तभी आप गुस्सा ज्यादा जल्दी आ जाता है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लो, तुम शांति को तभी मिल सकते हो जब मैं चाहूंगा। तुम जैसा घटिया आदमी शायद इस दुनिया में दूसरा हो। और होगा भी नहीं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। और एक बात और सुन लीजिए साहब जी, मैं आपका पता भी जानता हूँ, शांति का पता भी जानता हूँ। हाँ, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, समझे? घटिया आदमी समझता है मुझे। क्या देख रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हो आज। रियली? रुक्का, मुझे किसी भी कीमत पर शांति का पता चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ 1,00,000 रुपया इकट्ठा कभी नहीं देखा। आप मुझे उसके दर्शन करवा दीजिए, मैं आपको शांति का घर दिखा दूंगा। मंजूर है? मुझे भी मंजूर है जी। तुम्हारी मुंह मांगी कीमत इस बैग में है। थैंक यू शादी, थैंक यू। पूरी क्या सेवा करूं आपकी, हॉट गोल्ड गर्म शर्द ख्याल टाइम। फिर पूछा साहब जी, अच्छी एक एक दो दो पैक पी क्या जरा मूड बनाते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए साहब जी अंग्रेजी विस्की मंगवाई है। रुक्का, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ओहो, इतना शाल सफर किया, थोड़ी देर और सही। नहीं, आज अभी इसी वक्त। मैं करूंगा, वो खून मैंने नहीं किया था, लेकिन अब कर सकता हूं। बताओ मुझे शांति का पता, बताओ। बताता हूं। वो दरारी के कैबिनेट जो हॉल कमरा नंबर 1, 2, 3 में रहती है। बहुत तो बड़ा डेंजर शीशे भाई। अरे अरे अरे, हर कोई बात नहीं, उस तमाचे का तमाशा तो तुम देख ही चुके हो विजय मल्होत्रा। अब इस धमकी का जवाब भी मैं तुम्हें पूरे हिसाब किताब से दूंगा। मिस्टर
वक्त का चक्कर था। तुम शायद मेरी सच्चाई पर यकीन ना करो, लेकिन बहुत तड़पा हूं मैं शांति। जिस शांति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूं साहब। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है शांति, पर एक नजर मेरी मजबूरी की तरफ भी तो देखो। तुम्हें क्या मालूम, उस गांव की रेल की पटरी को दिन रात एक टक देखती रही थी वो शांति, कि शायद शायद वो वापस वो आया था, और उसकी शांति गांव छोड़कर जा चुकी थी। मैं मां की जिद के आगे कुछ नहीं कर सका, पर अब मैं तुम्हें लेने आया हूं, अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, अपनी औलाद को। मैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे 20 साल बाद अपने बेटे के लिए उसके बाप का नाम, नहीं चाहिए मुझे वो घर। मैं जिस हाल में भी हूं बहुत सुखी हूं, वैसे भी आपका बिना मेल ही क्या है। देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से दिन का चुनकर ये घरौंदा बनाया है, भगवान के लिए अब इसमें आग मत लगाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। शांति, मेरी बात तो सुनो शांति। शांति 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 पर समझने की कोशिश तो करो शांति। शांति दरवाजा खोलो, शांति 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 दरवाजा खोलो, शांति शांति। मत मुझे कैसे यकीन दिलाओ, शांति 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 दरवाजा खोलो, शांति मेरी बात को सुनो शांति। जॉन साहब, डेड बॉडी हमें पोस्टमार्टम के लिए ले जानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, एक मां की मौत हुई है, कम से कम उसके बेटे को। तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मां, तू अपने शंकर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मां। बोल मां बोल, तू बोलती क्यों नहीं मां? तमाम सबूत, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत विजय कुमार मल्होत्रा को मुजरिम करार देती है। इट्स अ केस ऑफ सेकंड मैरिज एंड मर्डर, सो इंडियन पीनल कोड दफा 494 और 302 के तहत मुजरिम को उम्र कैद की सजा का हुक्म दिया जाता है। तुम्हारा गुनाहगार हूं आरती, कानून ने तो मुझे सजा दे दी, तुमने अभी सुना नहीं है। नहीं, ना तो आपने मेरे विश्वास का खून किया और ना ही उस देवी का, लेकिन जब कानून ने आपके सामने सबूत रखे तो आपने अपनी सच्चाई क्यों नहीं पेश की? आरती, शांति को मैंने
मार तो 20 साल पहले दिया था। यूं समझो उसकी आत्मा ने जिस्म भी छोड़ा है। वक्त का चक्र भी देखो, एक दिन हालात मुझे उससे बहुत दूर ले गए थे, आज वो मुझसे अर्थी। मैं जिंदगी की इस सच्चाई को उस वक्त भी तुम्हें बताना चाहता था, पर मां की जिद ने मुझे रोक दिया। अब तुम सब कुछ जान चुकी हो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। उस अभागत का हक मेरे मुकद्दर में था और आपका प्रायश्चित उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। अर्थी? हाँ, और उस प्रायश्चित में मैं आपकी बराबर की हिस्सेदार हूं। बेशक शांति को जीते जी आप पति का नाम न दे सके, लेकिन उसके बेटे को आपका नाम जरूर मिलना चाहिए। आपने मेरी झोली में दूसरा बेटा डाल दिया है। एंड सो मिस्टर मल्होत्रा, आज मिसेस आरती मल्होत्रा की अदालत से आपको पाइज़त परी किया जाता है। दी हुई खैरात लेने को तैयार नहीं, चले जाइए यहां से। मेरी बात तो सुनो बेटा। बड़ी नाराज होकर जा रही है यहां पेशकर से। मैं शंकर का मामा हूं। आग बबूला तो मैं भी हो गया था जब मैंने अपनी बहन के कातिल की बीवी को स्पष्ट में देखा, पर आपकी ग्रेटेस देखकर आपको शंकर चाहिए ना जी? तो जो समझ लीजिए शंकर आपको मिल गया। मैं आपको वचन देता हूं, शंकर को मैं खुद आपके घर लेकर आऊंगा। आप चाहिए इतना से चाहिए आरती देवी। चलो ड्राइवर। नहीं शंकर, नहीं, छोड़ दो मुझे। इस गांव को बचाने के लिए जो रास्ता तुमने चुना है वो ठीक नहीं है शंकर। सोचो तुम इस पेट्रोल पंप को आग लगाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, कानून तुम्हें सजा देगा, फिर उस सजा का क्या होगा जो मेरी बहन और तेरी माँ ने काटी है? उसका हिसाब किताब कौन करेगा? तुम करोगे शंकर, तुम, उस माँ का बेटा जिसने सारी जिंदगी बदनसीबी की आग में काटी है। इस शाप को तुम अपने सीने में लगा और वक्त की नजाकत को समझ, मालिक बनकर बैठ जाओ उस घर में जहां तू कल तक नौकर था। शायद कुदरत भी यही कह रही है, बस फन फिरा कर बैठ जाओ उस औरत पर जिसका हकदार तू है। मैं उसी लिए तो आया हूं, लेकिन एक बात बता दूं आरती देवी, बड़ा अड़ियल घोड़ा है, बड़ी मुश्किल से सेंटीमेंटल की चाबुक मार मार कर आपके मकान की दहलीज तक पहुंचाया है मैंने उसे। ममता की रकाब पहन लेगा, अपने आप काबू में आ जाएगा। आज से ये घर तेरा है शंकर, ये घर, ये जायदाद, सारा कारोबार और हर वो चीज जिसका नाम विजय पेट्रोलियम से जुड़ा हो वो भी तेरी है। मम्मी, मम्मी। जी बेटा। वो दो कौड़ी का नौकर मालिक बनकर इस घर में राज करेगा? ये उसका हक है बेटी। कैसी माँ है आप, अपने बेटे का हक छीनकर उस लावारिस की झोली में डाल रही है। लावारिस नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं नहीं मानता उसे, वो डैडी का बेटा हो सकता है मगर उसका आपसे और मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। एक बात याद रखिएगा मम्मी, अगर आपने उससे ज्यादा हमदर्दी दिखाई तो मैं जान से मार डालूंगा उसे।
10-20 लाख रुपए देकर उसे दफा कीजिए मम्मी। बेटे मेरी बात तो सुनो सूरज। हिसाब किताब में ये भी अपने बाप की तरह कमजोर लगता है, पर रुका नहीं, हिसाब बराबर होगा साहब जी, 50-50। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैडी के कैबिन में डैडी की चेयर पर बैठने की? ये हक मुझे तुम्हारी माँ ने दिया है। एक भिखारी को सड़क पर करोड़ रुपए का चेक मिल गया, वो पागल हो गया ये सोच के कि वो करोड़पति बन गया, मगर सपना तो तब सच होगा ना जब वो चेक कैश होगा। पर ये चेक जरूर कैश होगा। ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी। आगे आगे देखो होता है क्या। प्यार का सपना रह गया सपना, अपने हुए पराए, खत अब मुझको कौन लिखे, अब किसका संदेश आए। जॉन अंकल। कौन? मैरी, इतनी रात गए तुम यहाँ? ये क्वेश्चन अपन आपसे भी पूछ सकता है जॉन अंकल। क्या बताएं बेटी, जब से शंकर अपन को छोड़ के गया अपन का दिल ही नहीं लगता। कुछ भी बोलो, वो साला अपन को याद तो जरूर करता होगा। देखा, हिचकी भी साला यही बोलता है। झूठ, अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। जिसके पास हमें मिलने के लिए वक्त नहीं, वो हमें याद क्या करेगा? वो हमें भूल चुका है और हमें भी उसे भूल जाना चाहिए। ये बात तुम अपना दिल से बोलता है? अपना दिल से बोलता है? मैं उसे नहीं भूल सकती। I love him, John Uncle. I love him. 10,000? मेरा भांजा अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ये रुपया विधवा आश्रम में देना चाहता है। अरे भाई क्या करें, तुम दोनों का हिसाब किताब सांझा जो हुआ, और कानूनी तौर पर तुम दोनों पार्टनर हो, इसलिए जो वो चाहेगा वो करेगा और जो तुम चाहो तुम करो। चलो करो शान जल्दी। कानून बदलते देर नहीं लगती, कब तक साइन करवाओगे? मिश्रा जी। जी हुजूर। पता लगाइए ये चंदा कौन से विधवा आश्रम में जा रहा है।